राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन झारखंड प्रदेश इकाई झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू कुमार सिंह के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के विरोध में जुलूस निकाला गया और अल्बर्ट एक्का चौक पर उद्धव सरकार का पुतला दहन किया गया। इसी के साथ पी3 न्यूज झारखंड के लिए रांची से काजल और पूजा की देखे एक रिपोर्ट। मुंबई में कंगना रनावत कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी और उन्हें मुंबई में एंट्री भी नहीं मिल रही थी। आप लोग अभी अल्बर्ट एक्का चौक पर खड़े हैं और पुतला दहन की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना रनौत शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत सिंह के साथ खड़ी थी, उनके न्याय के लिए खड़ी थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने जब कंगना रनौत ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की तो महाराष्ट्र सरकार उनको अपने ऊपर लेते हुए बदले की भावना के साथ जो उनको बहुत सारी गालियाँ दे रही है उसका हम लोग मानवाधिकार संगठन झारखंड प्रदेश इकाई कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार के साथ कि जो महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है वहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ के लोगों के साथ न्याय करे, महिलाओं के साथ जो शोषण हो रही है उसके साथ न्याय करे, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ न्याय करे। आज इसी के बीच में हम लोग आए हैं आज महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन करने के लिए। ड्रग्स का जो ये है बहुत बच्चा लोग को बर्बाद कर रहा है, बहुत लोगों को बर्बाद कर रहा है, उसके चलते सभी नौजवान ये कर रहे हैं, हर तरह का खराबी पहुंचा रहा है, शरीर को नुकसान हो रहा है और समाज में भी बदनामी हो रहा है उन लोगों को। देखिए, आज जो भी ड्रग्स माफियाओं को लेकर चल रहा है तो आज कहीं ना कहीं सरकार उन लोग को प्रोत्साहन दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। हालाँकि सुशांत भाई जो अपने आज डेथ किए हैं, आज लोग उनको सुसाइड करके उन मेज को हटाना चाह रहा न्यूज़ को, बट कहीं ना कहीं वो गलत है और जो कंगना कर रही है वो कहीं ना कहीं सही कर रही है और हम लोग सब लोग को उसका साथ देना चाहिए।